एंड वेलकम टू पीयूष श्रीवास्तव बैचलर्स कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं कसूरी आलू। कसूरी आलू बहुत ही सिंपल डिश है। इसके लिए हमें चाहिए तेल, आलू उबले हुए और रफली चॉप, और कसूरी मेथी, साथ में नमक और चाट मसाला। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले गैस ऑन करते हैं, इसके बाद हमेशा की तरह सारी कुजीन में सबसे पहले तेल, थोड़ा सा तेल, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। तेल को हमेशा फैला लें ताकि चारों तरफ अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब तेल गर्म हो चुका है तो अब तेल में हम डालेंगे बॉइल्ड एंड रफली चॉप्ड पोटैटो, यानी कि आलू। आलू डालते ही इसको तुरंत टॉस कर लें ताकि तेल चारों तरफ लग जाए, नहीं तो नीचे के आलू पूरा तेल पी जाएंगे और ऊपर के आलू में तेल नहीं लगेगा। अगर आपको टॉस करने में प्रॉब्लम हो तो आप करछी का इस्तेमाल करें और ऐसे फटाफट चला दें। जब आलू हल्के से ब्राउन होने लगे तब तक इसको थोड़ा पकाना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, नमक डाल के वापस हिलाएं। और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूर पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ की मेथी लीफ जो होती थी वो बहुत प्रसिद्ध थी, तो वहाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि लोगों ने उसको सुखा के यूज करना शुरू कर दिया था क्योंकि कसूर की मेथी चाहिए थी। अब वो कसूर में तो मेथी होती है नहीं होती है आजकल पता नहीं, लेकिन आजकल जो भी ड्राइड मेथी होती है उसको कसूरी मेथी का नाम दे दिया गया है। थोड़ी कसूरी मेथी इसके अंदर, वापस से टॉस करें ताकि मेथी अच्छी तरह से इसमें लग जाए। यह धीमी कर लें अगर आलू नीचे लग रहे हों, चाहे तो थोड़ा सा पानी डालकर उसको बैलेंस करें। पानी कुकिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे कि आपके एक तो सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली मिल जाते हैं। उत्तर भारत में इसको अकोरे आलू के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस डाल सकते हैं, ये इसके टेस्ट को और इन्हेंस करता है। गैस बंद करने के पहले इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, वो इसके एक डिफरेंट फ्लेवर देगा। तो चाट मसाला इसके अंदर एक चुटकी भर, चाट मसाला डालने के बाद गैस कर देंगे बंद। आप अगर चाहें तो इसको मैश करके सैंडविच में भी यूज कर सकते हैं सुबह के नाश्ते के लिए, अदरवाइज एक सब्जी के तौर पर भी ये काफ़ी अच्छी डिश है, काफ़ी टेस्टी डिश है। अब हमेशा की तरह हम इसको गार्निश करेंगे धनिया पत्ती के साथ और अब हम इसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला चुटकी भर और थोड़ा सा नींबू का रस, और तैयार है आपके कसूरी आलू।